सभी को गुड मॉर्निंग। जो है मैं हूँ मालती और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज सुबह हो गई है और अभी मेरा बच्चे को स्कूल पहुँचा के आते हैं और छुट्टी होने के बाद जो है हम लोग प्लानिंग किए हैं चांडिल डैम जाने का। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग चांडिल डैम जाएंगे और सोच रहे हैं कि अगर टाइम होगा तो वहाँ से सीधा हम लोग थर्मा की ओर जाएंगे। मैं अभी इसको स्कूल पहुँचाने जा रही हूँ और मेरा ड्रेस बहुत सुंदर है तुम्हारा ड्रेस। और स्कूल से आने के बाद जो है हम लोग फिर जाएंगे। ठीक है, तब मिलते हैं। यहाँ देखिए गाइस, सरस्वती का पंडाल जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये है साक्षी गुरुद्वारा बस्ती। और टाटा स्टील जो है इन लोग को बहुत सुविधा दी गई है पानी के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, नहाने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए ये पानी उपलब्ध की गई है। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और इसके पहले हम लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप में तेल भर लेते हैं, फिर अब निकल पड़े हैं। ये आप तो जानते हैं, ये तो ये एक्सलराइज गेट है। और यहाँ देखिए हाय कर रहे हैं हम लोग को। और यहाँ इस चौक में हम लोग रुक गए हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह हम लोग लिए। टाइम नहीं हुआ उतना सब्जी बनाने के लिए, इसलिए हम लोग जो है एक ढाबा में रुक गए हैं और यहाँ से हम लोग चिकन ले लिए। और बेटी जो है फूलों से बातें कर रही है और मैं स्प्राइट पीने लगी। और थोड़ा फोटो सब शूट करने के बाद हम लोग निकल गए उधर ऊपर की ओर। और मेरे बेटे बहुत खुश है क्योंकि बाबू नहीं है। तो यहाँ देखिए गैस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ ऊपर। और वो देखिए उधर पूल है, वहाँ उधर पूल है चंडिल डैम में उस साइड। और यहाँ बहुत कोई आए हुए हैं और हम लोग भी अपना जो टिफ़िन सब लाए हुए थे लंच के लिए वो सब निकाल लिए स्कूटी से। और अभी हम लोग निकल गए उधर आगे की ओर। यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है और जो लोग मतलब कि यहाँ कुछ खाना चाहता है तो यहाँ रेस्टोरेंट भी मौजूद है। और जा रहे हैं और देखने पहाड़ सब। हेलो, यहाँ बहुत अच्छी तरह से रास्ता बनाया गया है और मेरे हस्बैंड जो है वो आगे चल रहे हैं। वो देखिए उन लोगों को, वो लोग मतलब बोट के सहारे वो लोग मतलब कि वहाँ बीच में गए हुए हैं। बच्चे लोग को देखिए, ये लोग को भी मतलब कि शेयर करने के लिए लाया गया है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बनाया गया है बैठने के लिए, यहाँ सीमेंट का बनाया गया है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग खाने के लिए लेके आए हैं घर से और इसको अभी हम लोग खाएँगे, थोड़ा लंच करेंगे हम लोग भी और यहाँ का नज़ारा फिर आप लोगों को दिखाएंगे।
ये हम लोग का जलेबी है। और यहाँ हम बनाए नहीं थे सब्जी, तो हम लोग खरीदे इसको। वीडियो करें अंदर और हम लोग को खाते देख कुत्ता भी वो खाने के लिए आ गए हैं। सोच रहे कि कब ये लोग हमको भी देंगे खाने के लिए। और वहाँ देखिए वहाँ फ़ोटो शूट हो रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे कि चलो हम लोग भी वहाँ बीच में फ़ोटो देखिए शूट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए ये एक क्या है पक्षी, हाँ पानी वाला पक्षी जो बतख जैसे दिखता है, काला कलर का, मर गया है, मर गया है। और यहाँ का नज़ारा देखिए गाइस बहुत ही सुंदर है। और यहाँ बहुत कोई अपना कपल्स आए हुए हैं और सब कोई अपना कपल्स के मतलब कि कपल्स के साथ सब कोई फ़ोटो खींच रहे हैं। बहुत अच्छा है, मैं तो फर्स्ट बार आ रही थी यहाँ पर। पानी का लहर भी बहुत ही मस्त था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि समुद्र में आए हुए। और यहाँ बोट में हम लोग को चढ़ने का मन किया था, पर अफसोस हम लोग लेट हो रहे थे तो नहीं चढ़े। देखना हो गया हम लोग का, हम लोग सीधा रवाना होंगे घर के लिए। और पापा के परियों को देखिए, ये लोग आए हुए हैं, ये लोग भी देखने साड़ियों में। पापा के परी है ये। और यहाँ बोट जो ख़राब हो गए हैं वो सारा बोट को यहाँ ऊपर यहाँ लाया गया है, रखा गया है। तो हम लोग का देखना हो गया है, अब जाएंगे नीचे की ओर और एक बार देख लेते हैं नीचे की ओर। निकल गए हैं, शॉर्टकट रास्ता मार रहे थे अंदर की ओर से। ये NH 32 है और हम लोग को उस पहाड़ के उस पार से जाना था NH 33 में। ये सब जितना भी है ये वेस्ट बंगाल है। और यहाँ देखिए सरस्वती का जो नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और तो हम लोग यहाँ एक आदमी को पूछे कि किस रास्ता से हम लोग को जाना है, तो हम लोग को अच्छी तरह से बता दिए कि इधर से जाना है। ये पहाड़ के उस पर NH 33 रोड है, ये देखिए हम लोग आ गए NH 33 रोड में, जो बम्बई रोड बोलते हैं। और गाइस आज जो है सरस्वती पूजा के साथ साथ वैलेंटाइन डे भी है, तो ये देखिए पापा की परियों का कारनामा देखिए। ये लोग सरस्वती की पूजा के बहाने यहाँ अपने लवर के साथ घूम रहे हैं। और यहाँ आजकल शादीशुदा औरत भी साड़ी पहनना बंद कर दिए हैं, साड़ी के बदले सूट पहन रहे हैं। तो आज के दिन जो मतलब कि सरस्वती पूजा के दिन होता है, तो उस दिन को आप देखिए वैरायटी वैरायटी साड़ी का नज़ारा, सब साड़ी का लुक। जितना भी लड़कियां हैं जो है वो लोग सबको साड़ी पहनी रहती है। और यही लड़की सब जो है जो शादी के बाद साड़ी पहनना छोड़ देती है और साड़ी के बदले सूट अपनाती है। ये सच है दोस्तों, कुंवारे में ही बहुत एक्साइटेड होती है साड़ी पहनने के लिए और शादी के बाद सब खत्म। तो अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं दलमा में। और यहाँ भी देखिए सब तरफ पापा की परियाँ ही नज़र आ रही है। यहाँ देखिए आगे भी है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दलमा। और ये देखिए यहाँ हाथी को बांधा गया है। और
और ये देखिए गाइस, ये पेड़ के ऊपर में झूला के जैसे बनाया जा रहा है, जो इसके ऊपर में चढ़ाई भी होगी बाद में। और यहाँ यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर आएगा फोटोशूट करने में। सीढ़ी बचू माँ, सीढ़ी बनू दादा लखंड।